सर आप खुद मौजूद थे खान साहब के साथ शुएब शाह। आप देखें हमारी खुश नसीबी है एक साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के हमारे साथ प्यार मोहब्बत है, एक करंट प्रेसिडेंट है इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, वो भी स्टूडियोज में। आपकी मुलाकात हुई, बॉडी लैंग्वेज क्या आपने नोटिस की? आज उनको बहुत जगह पे रिलीफ मिला है लेकिन स्टिल इन इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जिस वक्त शो चल रहा होगा मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये छोड़ेंगे। क्या ये इमरजेंसी की तरफ जाने का कोई इशारा है या ये मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं कि नहीं अब इनको दोबारा से किसी भी तौर अरेस्ट करना है डिस्पाइट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला दे चुकी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जैसा शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब मजबूत आसाब के मालिक हैं, और आज जब अदालत के अंदर उनसे मेरी मुलाकात हुई तो ही वॉज़ लुकिंग सो फ्रेश, और कोई मैंने उनके चेहरे पे कोई ऐसे परेशानी के आसार या इस तरीके से जैसे कोई इंसान पे केसेस हों इतने और इस तरह को अरेस्ट के दौरान आके पेश हुआ हो तो एक सिचुएशन जो होती है वो मैंने बिल्कुल नहीं देखी। वो बिल्कुल अपने रूटीन के और नॉर्मल। आपसे क्या बात है? तो उन्होंने मुझे इसी बात पे कहा, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो उन्होंने कहा कि देखें आप प्रेसिडेंट हैं और मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रिंसेस से इस तरीके से गिरफ्तार किया गया जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। तो मैंने इस बात पे ज़रूर कहा कि हमने इस बात को कंडेम किया है, हर जगह पे हर फोरम पे जाके कंडेम किया है, मुकदमात भी होते हैं सियासी लोगों पर, गिरफ्तारियाँ भी होती हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट के प्रिंसेस से या वकला के, इवन चेंबर के जहाँ पे वकला बैठे होते हैं उनके चेंबर में भी अगर कोई आ जाए अक्यूज़ तो वहाँ से भी जो ये पुलिस या कोई भी इदारा है वो गिरफ़्तार करने से उस वक्त तक बाज रहता है जब तक वो इस प्रिंसेस से निकल नहीं जाता। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के प्रिंसेस के अंदर से गिरफ्तार करना दैट इज़ अनजस्टिफाइड, और इस बात को हमने पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वैलिड डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने मैं समझता हूँ बहुत वैलिड डिसीजन दिया, और ये सारी चीज़ें जो हैं हॉनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी अदालत में भी बताई गई थी। उन्होंने भी इस हवाले से एक सेपरेट ऑर्डर ज़रूर किया था, उन्होंने भी कॉन्टेम्प्ट नोटिस इशू किए थे, सेक्रेटरी दाखिला को कॉन्टेम्प्ट नोटिस किया था और आईजी इस्लामाबाद को किया था, और रजिस्ट्रार से इसकी कम्प्लीट रिपोर्ट तलब की थी। तो मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से बेहतर फैसला है, क्योंकि अगर इस तरीके से इजाज़त दे दी जाए कि आप हाई कोर्ट के अंदर से या किसी भी अदालत के अंदर से आप इंसाफ लेने के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में से गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर जो है वो अदालत जो निजामे अदल से लोगों का एतबार उठ जाएगा। एमरजेंसी लग सकती है सर, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जैसा कि आपने उनकी भी राय सुनी और शोएब भाई की भी राय सुनी कि मुल्क की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है, बनाने उन्होंने यही तो और, यही तो पार्ट ऑफ द प्लान हो सकता है गवर्नमेंट का, पीडीएम का, लेकिन जो हालात बूझ के मुल्क का बेड़ा गर्क करें ताकि हमें इलेक्शन से निकलने के लिए हालात लगाने का बहाना मिल जाए। जो हालात नजर आ रहे हैं वो हालात ठीक नजर नहीं आ रहे, और आज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो जो हमारे बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी, कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी, सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।